हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवेल्युएशन आईएएस। एसे की सीरीज का आज का जो वीडियो है ये है कोड बेस्ड एसेज के ऊपर। फाइन, अब तक हमने देखा कि जितने भी बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ एसे राइटिंग, कैसे हम एसे को स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे इसका कंटेंट हम तैयार करेंगे, और हमने देखा पिछले वीडियो में कि फिलोसॉफिकल एसे को कैसे टैकल करेंगे, उससे मिलता जुलता आज का जो टॉपिक है कोड बेस्ड एसेज। फाइन, इसको आप कैसे टैकल करोगे। बट बिफोर दैट मैं एक चीज़ में रिपीट करूँगा। देखो, एसे का जो डिमांड है, जो यूपीएससी अपने इंट्रोडक्शन में, सॉरी अपने नोटिफिकेशन में लिखता है कि कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, जैसे फिलोसॉफिकल, वेमेन, एजुकेशन, गांधी, राइट। सो दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, राइट। तभी मैं कहता हूँ कि एसे की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, इंट्रो से लेके बॉडी, कंक्लूजन, बिल्कुल एक चेन में, है ना, कनेक्टेड होना चाहिए। वो हमने बातें की है और आज के भी वीडियो में उन टॉपिक्स पे हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। एंड टू राइट कंसाइसली, अब मार्क्स किस पे मिलेंगे, आपके इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के ऊपर में। तो ये यूपीएससी की लाइनें हैं जो मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा आप इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं डिस्कस। सो पहले देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जाम्पल ले लो 2021 में। देखो, जो 2021 का पेपर था ना, एक कंप्लीटली फिलोसॉफिकल था, ठीक है, और इसमें तीन चार क्वेश्चन जो थे वो थे कोर्ट्स के ऊपर में, ठीक है। इसके बेसिक्स, टाइप्स, इसके कंटेंट को आप तैयार कैसे करोगे और आप लिखोगे कैसे, और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे करोगे सिक्योर, ठीक है। यस, सो नाउ लेट्स बिगिन। अब जो कोड बेस्ड एसेज है ना, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको डिसिफर करना, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी थीम को पकड़ना, राइट। तो उस कोड को देखो, अगर आप लकी हुए, मान लो कोई कोट आपने पढ़ा, राइट, जैसे गांधी का बहुत फेमस कोट है, ठीक है, देर इज एनफ फॉर एवरी वंस नीड, बट वो अब स्कूल काइंड ऑफ ऐसे होते हैं, अब ज़्यादातर उन पर क्वेश्चन सब आएंगे नहीं, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उस टाइप से कोई भी कोट, अगर आपका, अगर ऑप्शनल पी एस हायर है, अगर पवेड है, ठीक है, आंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है, अगर वहाँ से कोई कोट आ गया तो देन यू आर लकी, ठीक है, तो उसको तो आप डिसिफर कर लोगे। लेकिन वहाँ पे भी एक ट्रिक है जो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक जीएस टाइप का, सॉरी, या फिर ऑप्शनल टाइप का ऐसे आपको लिखना नहीं है। आपको यहाँ पे यूपीएससी की जो ऐसे में डिमांड है, उस डिमांड को आपको मीट करनी है, ठीक है। उसके बाद से अगर या तो आप कोर्ट को एज इट इज समझते हो, जानते हो, नहीं तो फिर कोर्ट में जो थीम पूछा गया है ना, जैसे कोर्ट में हो सकता है थीम हो पॉवर्टी का, ह्यूमनिज्म का, मटेरियलिज्म का, आइडियलिज्म, राइट, तो ये सारे थीम्स होते हैं, तो उसको डिसिफर कर लो तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो फिर देखो, होल्ड ऑन, यस, उसमें से जो इनडायरेक्ट मैसेज छिपा हुआ है कोर्ट में, बिकॉज देखो जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना आपके पास, तभी तो होते हैं ना, आपके पास 8 ऑप्शंस हैं ग्रुप ए और, सॉरी, 4 क्वेश्चंस ग्रुप ए में और अगले 4 क्वेश्चन ग्रुप बी में, दोनों में से एक एक चुनना है। और अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है, स्पेशली अपने जीएस पेपर 4 यानी इथिक्स की तैयारी अगर अच्छे से की है, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इथिक्स का पेपर अपने आप में 250 का पेपर नहीं है, इरादर अब मुझे लगता है कि 500 का पेपर है, क्योंकि एसे का भी कंटेंट जो आपका है ना, ये मोर और लेस एथिक्स वाला कंटेंट ही आपका यूज़ होता है। सो उसके बाद यस, नेक्स्ट इज, अब इतना भी अगर नहीं कर पाए तो कुछ भी जो टॉपिक के क्लोज में है आप उसके आसपास भी लिखोगे तो यूपीएससी आपको मार्क्स अवार्ड करेगा, प्रोवाइड दैट आप जो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, उसकी, है ना, एक होता है ना बीटिंग द बुश, वो नहीं, रिपीटेशन नहीं करना है, इंट्रो अच्छे से देना है। तो चलो इन सारे डायमेंशन पर करते हैं बात। अब देखो, लास्ट की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो फिलोसफिकल एसे के जो सोर्सेज होंगे कहाँ से पढ़ोगे। मैं रिकमेंड करूँगा बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, अपने इथिक्स पेपर को बहुत अच्छे से कमांड करो, वो इथिक्स के लिए भी अच्छा है, एसे के लिए भी ठीक है, हिंदू तो पढ़ो ही। उसके बाद से कुछ एनसीईआरटीज हैं, बाकी एनसीईआरटी तो हम अपनी जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन में पढ़ते ही हैं, और कुछ एनसीईआरटीज हैं, जैसे आप ये देख लो कि जो सोशोलॉजी की एनसीईआरटी है, क्लास 11th और 12th की जो सोशोलॉजी की 4 एनसीईआरटीज हैं, अगर ये चारों भी ना पढ़ो तो 12th वाली जो एनसीईआरटीज है ना, जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर है, उनको जरूर पढ़ो, ठीक है। और इन बुक्स को आप देखो, ये मैंने डाल छूट दिया, लेकिन मुझे पता है मैंने खुद भी नहीं कुछ खास पढ़ा इनको, ठीक है, ना ही मैंने जिनको सिलेक्ट होते देखा है उनको पढ़ते देखा है, तो ये बस रिकमेंडेड है, अगर टाइम अलाउ करे तो पढ़ो, वरना फिर इतना काफ़ी है। हाँ, योजना पढ़ सकते हो कुछ सिलेक्टेड भी, ठीक है। यस, नाउ कमिंग टू चूजिंग द टॉपिक, आप टॉपिक को कैसे करोगे चूज, उसके बाद से कैसे एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखोगे। देखो, इन टॉपिक्स पे हमने
डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में। मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरी प्लेलिस्ट देखो, यू विल बी एट एन एडवांटेज। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के पॉइंट्स हमें जोड़ने हैं, तो ये सब कंटेंट की बात है, केस स्टडीज़, डेटा या फिर कोई किसी कमिटी की रिकमेंडेशन है। अब कांत की कोई थ्योरी आप अगर कोट करना चाहो तो आप कोट कर सकते हो। ठीक है, कोई कीवर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो आपका एसे है उस जीए से बाहर नहीं, बस उसकी राइटिंग और स्ट्रक्चरिंग थोड़ी जीए से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद से अगेन आई रिपीट जो लास्ट वीडियो में की थी, डोंट बी फिलोसॉफिकल, बिकॉज देखो कोड बेस्ड ऐसे फिलोसॉफिकल ही होते हैं। बस मैंने वीडियो बनाया क्योंकि आप में से दो चार लोगों ने कमेंट किया था और टेलीग्राम वाले चैनल पर भी मैसेज किया था कि अगर कोड बेस्ड ऐसे आएगा तो उसे कैसे टैकल करेंगे। उसके बाद से जो फ्लो है ऐसे का वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लिंक है पैराग्राफ वन इज कनेक्टेड टू पैराग्राफ टू देन थ्री एंड देन सो ऑन। ठीक है, चलो यस, अब देखो ये 2021 का ऐसे है, 2021 का ऐसे। अब इसमें कुछ ऐसे को देखो, इसमें से कोई भी एक मैंने जैसे आज के लिए चूज़ किया है, होल्ड ऑन, यस दिस वन मुझे थोड़ा आसान लगा इसलिए मैंने चूज़ कर लिया टू बी फ्रैंक। ठीक है, अब देखो, अब इतने सारे द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। अब सेल्फ डिस्कवरी क्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो बोला था स्टार्ट में कि कोड जो है ना, जो कोड डाला गया है या फिर जो एसे का जो थीम पूछा गया है उसके आसपास भी अगर थोड़ा आइडिया लग रहा है ना, थोड़ी क्लैरिटी है, तो फिर यू कैन चूज दैट एसे टू राइट। योर परसेप्शन ऑफ मी इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ठीक है, अगर आप मुझे कह रहे हो कि यू आर इंटेलेक्चुअली डम्ब, ठीक है, सो एंड विदाउट इवन टॉकिंग टू मी, तो ये शो करता है कि यू आर वेरी क्विक टू जज, आपके जजमेंटल स्किल्स पुअर हैं। कहने का मतलब ये है कि योर परसेप्शन ऑफ मी इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी, माई रिएक्शन टू यू। अब मैं अगर वायलेंटली रिस्पॉन्ड ना करके मैं पीसफुली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ माई कैरेक्टर। ठीक है, ये मतलब ये सारे फिलोसफी का देखो, फिर फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। इनमें से अगर मुझे चूज़ करना होता तो मैं इन दोनों में से कोई एक चूज़ करता। ठीक है, अगर इस वाले ग्रुप की बात करो, अब यहाँ पे कुछ आसान है, व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेड विद नॉलेज। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे एग्जांपल लो, स्टीम इंजन का एग्जांपल लो, थोड़ा नॉलेज था बाकी उसके पास, डेट वॉज ए ब्लाइंड डेट। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ रॉबर्ट ब्रदर्स का। ठीक है, सॉरी नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, रॉबर्ट ब्रदर्स या फिर राइट ब्रदर्स, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, बट ऐसा ही कुछ था, उसमें नॉलेज थी उसके पास एक्सपेरिमेंट करने का और सक्सेसफुल हो गए। देन मैंने चूज़ किया हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स। ठीक है, अब इसको करते हैं डिस्कस। बेसिकली ये कोट गाइस कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, हाँ, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर सोशोलॉजी में पढ़ाई होगा। ठीक है, एक सोशोलॉजिस्ट, एक बड़े फिलोसोफर, तो इनका एक कोट था। बेसिकली कोट किसी और का था, पॉपुलराइज कार्ल मार्क्स ने किया था, आई फॉरगॉट द नेम, कोट किसका, लेकिन पॉपुलराइज इसको कार्ल मार्क्स ने किया था, आप इसको गूगल करना थोड़ा। ठीक है, तो नाउ हैव अ लुक। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे हम करेंगे डील इसके, अब बाय द वे हमने चुन लिया, ठीक है, इसको या फिर इस टाइप के किसी भी कोट को, तो उसको हम कैसे करेंगे प्रेजेंट इंट्रो में, ठीक है, बॉडी में कंक्लूड कैसे करेंगे, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम क्या होता है, उसका रफ वर्क तैयार करना। नेवर कमिट दिस मिस्टेक कि आप रफ वर्क आप लिख भी रहे हो और सोच भी रहे हो। ठीक है, ए दैट कुड बी डिजास्ट्रस। ठीक है, आपको मार्क्स फेच करने में बहुत मुश्किल होगा, एंड मतलब ठीक है, यहाँ पे सीधे मार्क्स, अगर एक बंदे के ऐसे मार्क्स अगर आ रहे हैं 150, तो अगले वाले के अगर 90 आ रहे हैं तो देखो रेस में ये बंदा तो बाहर ही हो गया। जीएस में मोर और लेस आपके सेम ही रहेंगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी आप 500 स्कोर नहीं ला पाओगे। ठीक है, आप 15-20 नंबर के आगे पीछे रहोगे एक दूसरे से, बट यहाँ पे ऐसे और ऑप्शनल कैन मेक ए बिग डिफरेंस। ठीक है, सो नाउ नाउ लेट्स मूव, अब करते हैं इसका रफ वर्क राइट। कि अब जैसे देखो, अब जो इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, अब इसका इंट्रो कैसे चूज करोगे आप, होल्ड ऑन। ठीक है, कि अब ये है क्वेश्चन पेपर, चलो मेरे हाथ में भी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स। अब ये कहने का मतलब अगर आप समझ गए तो पता क्या है, अब मान लो कि कुछ समथिंग दैट इज बैड,
समथिंग बैड और ट्रेजिक, जो कि एक बार नहीं दो बार हुआ है, ये उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप सोचो कि अब एसे का एक रूल मैंने स्टार्ट में बताया था कि योर एसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशन होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे वाले। ठीक है, यूनिट डायमेंशन लिखोगे या फिर कम डायमेंशन में लिखोगे तो आपको ही फिर 100-120 के अराउंड मार्क्स मिलेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे देखो कि आप इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे स्टार्ट करोगे, राइट, कि अब पहले हिस्ट्री के बारे में बताओगे कि मतलब ठीक है, अब इंट्रोड्यूस करने के तरीके बहुत हैं बेसिकली, या तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर दो, जो सबसे सिंपलेस्ट मुझे लगता है, नहीं तो फिर एक केस स्टडी डालो। जैसे एग्जांपल लो वर्ल्ड हिस्ट्री का में से, अब वर्ल्ड वार का एग्जांपल ले लो, उन कंट्रीज का एग्जांपल लो जो कि वर्ल्ड वार से, जिनकी दो बार जिनको वर्ल्ड वार झेलना पड़ा या वर्ल्ड वार से जिनको नुकसान हुआ, ठीक है, उन कंट्रीज का नाम लो जो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज थी, उनमें से किसी भी कंट्री को उठाओ और उनका एक केस स्टडी डाल दो। अब स्टोरी शुड बी रियल, एक कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी मत डालना यहाँ पे, कभी भी ऐसे में गलती मत करना, इट शुड बी रियल। ठीक है, तो अब यहां से किया, उसके बाद से इस कॉन्टेक्स्ट को कर दिया सब्सटेंशिएट, और इंट्रोडक्शन एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंट्रो शुड बी ऑफ वन पेज। अगले पैराग्राफ में जब अगले पेज में आओगे तब लिखोगे कि अब इन दिस वे हम अब एक एक करके चीजों को करेंगे डिस्कस सारे डायमेंशन पे, और आपने ऐसे को कर दिया है स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद से अब जो बॉडी होनी चाहिए, अब यहाँ पे लेना है आपको एक स्टैंड, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है कि अब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लेकिन आपने कह दिया कि देखो हिस्ट्री रिपीट करती है लेकिन कुछ कुछ किस्म नहीं करती है, बिकॉज ऐसे में आपके पास यू हैव द लिबर्टी, लिबर्टी क्या करने के लिए कि टू चूज राइट योर स्टैंड, अपना स्टैंड आप ले सकते हो कि आपका इस पर क्या स्टैंड है। यू कैन बी एंटी टू दिस टॉपिक इटसेल्फ, बट जो कि सजेस्ट किया नहीं जाता नॉर्मली बिकॉज ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे अब एक एक करके स्टैंड अप लेना शुरू करोगे कुछ इस तरीके से, डिजास्टर है, इथिकल एंगल है, इकोनॉमिकल है, इन्वायरमेंटल है, पॉलिटिकल है, और भी ठीक है सोच सकते हो, सोशल एंगल पे जा सकते हो। अब सोशल एंगल पे कैसे जाओगे, खैर शुरू करते हैं इससे, चलो इसी से शुरू करते हैं, डिजास्टर से स्टार्ट में। तो अब फुकुशिमा की जो ट्रेजेडी थी न्यूक्लियर डिजास्टर की जापान में, तो पहली बार नहीं थी उस टाइप के डिजास्टर्स जापान में हुए हैं, बट जापान इज क्विक टू यू नो क्विक टू कम बैक, ठीक है, अपनी रीबिल्डिंग बहुत स्पीड से करता है, सो जापान के लिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी। लेकिन क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज जहाँ क्या है ना कि मतलब पॉवर्टी है, पुअर कंट्रीज हैं, उनकी रीबिल्डिंग तो बहुत स्पीड से हो नहीं सकती। तो अब ये सारे फैक्टर्स आप करोगे सब्सटेंशिएट, इतना याद रखना कि अगर एक डायमेंशन आपने चुना है तो वन डायमेंशन इक्वल टू वन पेज, ठीक है, और वहाँ पे दो या मैक्सिमम तीन पैराग्राफ आप यूज़ करना, ठीक है, डायमेंशन और फिर उसके सब डायमेंशन, राइट, देन एक पेज इसके लिए, देन कम्स इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या करोगे, जैसे आप बिना एग्जांपल के आपका सब्सटेंशिएशन नहीं हो सकता, अब इकोनॉमी में क्या डिजास्टर्स हो सकता है, ये हो सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइजिंग एनपीए, इट्स ए ग्लोबल इशू इंडिया के लिए खास करके, ठीक है, अब एनपीए बढ़ रहा है, अब एनपीए बढ़ रहा है किन फैक्टर से बढ़ रहा है, एक लाइन में आप दे सकते हो, किसी कमिटी का आप रिपोर्ट दे सकते हो मैकिन्से, या फिर किसी की फाइंडिंग आप दे सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे की फाइंडिंग आप दे सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि स्पेशली ऐसे के लिए यू मस्ट हैव योर डेटा बैंक रेडी, आपका जो डेटा है ना, डेटास, मेकिंग ऑफ डेटास, जब डेटा अच्छे होंगे, एक्यूरेट होंगे, लेटेस्ट होंगे, यू विल रॉक, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। इन्वायरमेंट में सारे डायमेंशन दे सकते हो, क्लाइमेट चेंज, डिग्रेडेशन बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन है, यहाँ पे फिर कमेटी है, किसी का रिपोर्ट कोड करो, और रिपीट करने का मतलब ये है ना कि अब अच्छा सेकंड, अच्छा इस ऐसे को आपने समझा कि नहीं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट इज ट्रेजेडी, अब पहले ट्रेजेडी के रूप में आता है, सेकंड टाइम पे मजाक करता है, जोक। अब ट्रेजेडी क्या होती है कि जिसका आपको आइडिया ना हो, अब एनपीए जब पहली बार स्पीड से आया, बढ़ा एनपीए, तो लोगों को आइडिया नहीं था कि एनपीए इतना डैमेज भी दे सकता है हमारी इकॉनमी को, लेकिन अब जब होता है तो ये मजाक लगता है कि हाँ ठीक है एनपीए तो हो ही रहा है। वैसे ही डिजास्टर में फ्लड्स हैं, ड्राउट है, अब आजकल के टाइम पे क्या है कि अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, तो लेटेस्ट एग्जांपल दोगे, तो अब पहली बार जब क्या हुआ कि जब ऐसे फेनोमेनन आने शुरू हुए,
अलिनो का इफेक्ट जब आना शुरू हुआ तो इट्स नथिंग न्यू, लेकिन पहली बार जब अलिनो का जब ड्रास्टिक इफेक्ट दिखा तो दैट वॉज समथिंग यू नो डिजास्टर्स ट्रेजिक। जब एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी पे इसका प्रभाव दिखना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ। तो अब इतने डायमेंशन पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई एम आस्किंग यू टू इंटरकनेक्ट द डॉट्स, बहुत सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करो ताकि इससे लगे कि मतलब बंदा जो चेक कर रहा है वो पढ़ता ही जाए हर पैराग्राफ को, फोर्स करो कि वो आपके पूरे एसे को पढ़े, आपके कंक्लूजन को पढ़े, आपको मार्क्स रिवार्ड करे, ठीक है। अब पॉलिटिकल डायमेंशन में देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज नथिंग न्यू, ठीक है। अब ट्रेजेडी कब आती है, ट्रेजेडी तब आती है जब पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन से के चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सफ़र करता है, पीस प्रॉस्पेरिटी सफ़र करती है, नॉन स्टेट एक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब नॉर्मल हो जाते हैं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंस में भी लिखते चलोगे, ठीक है। तो इन सारे डायमेंशन पर हम बात करेंगे एक एक करके इस तरीके से, और देन उसके बाद से कंक्लूड कैसे करेंगे। अ कंक्लूड ऑलवेज, चाहे ऐसे आपने जो सा भी चुना है, कंक्लूड आप एक पॉजिटिव नोट के साथ ही करोगे, क्योंकि सोसाइटी इज समथिंग कि मतलब जैसे मान लो कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि यू नो, अब मान लो कि ठीक है अगर दो बार हमने फेस कर लिया वर्ल्ड वार को तो तीसरा हम वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इससे बेहतरीन एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते हो कि तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो दैट वुड बी डिजास्टर्स, बिकॉज आज बहुत सारी न्यूक्लियर पावर्स हैं जो कि उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। तो न्यूक्लियर वार होगा, ह्यूमिनिटी पे बड़ा खतरा आएगा, राइट, कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसे मेंशन करना है, और फिर हमें इस टाइप की चीज़ें रिपीट नहीं होने देनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ऐसे को कर सकते हो कंक्लूड। अब देखो, अब आज के टाइम पे 150 मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो खैर वो तो बिल्कुल ही उसके टॉपर मार्क्स हैं, लेकिन जिनके 130 प्लस मार्क्स भी है ना, अगर 2021 वालों की बात करें तो दैट इज़ समथिंग कि 2018-19 के लेवल के अकॉर्डिंग वो 150 मार्क्स ही हैं, क्योंकि स्केलिंग हो रही है, सबके मार्क्स एक जैसे ही हैं। अब कल हो कि 110 मार्क्स आ जाए एवरेज मार्क्स तो क्या दिक्कत है, आपके मार्क्स बस एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से करते हैं प्रिपरेशन, इस एसे की सीरीज़ को हम रखेंगे जारी, ठीक है। और आप इस प्लेलिस्ट को रिपीटेडली देखो, टेक ए नोट ऑफ दैट। और बाकी अब तो देखो, आपको स्ट्रक्चरिंग ऑर्डरिंग बेसिक्स सब कुछ मैंने इसमें बताया है, अब ऐसे मतलब उस तरीके से लेके आऊँगा कि थीम बेस्ड, वेमेन एजुकेशन गांधी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह से आए तो कैसे लिखोगे, ठीक है, सोशल इश्यूज़ पे आए तो कैसे लिखोगे। तो कुछ 6-7 वीडियोज़ और आएंगे, और बाकी आपकी डिमांड के ऊपर है आप क्या डिमांड करते हो, फाइन। सो और इसकी PPT आप डाउनलोड करना प्लीज़, आपके रिविज़न में बहुत हैंडी होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।